नमस्कार दोस्तों, हमारे इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज ये जानेंगे कि ब्लेंडोक्स का टेंडम वॉक किस तरीके से लगाते हैं, और पिछली बार आपने देखा था कि जो इटेच का जो फिटिंग आता है वो किस तरीके से रहता है, उसका वीडियो बना हुआ है। जैसा कि आप सामने देख रहे हो, ये ब्लेंडोक्स का ऊपर कैप लगने वाला, जो टेंडम के ऊपर कैप लगता है वो दिया हुआ है, और ये कुछ पीछे की साइड में जो ग्रे कलर का पीछे की साइड में लॉक लगता है और पार्टियाँ लगाने के लिए यूज़ होता है, और जो सामने के मोडिये में रेलिंग अटैच हो जाता है। और ये चैनल है जो कि वार्डरोब या किचन के प्लेटफॉर्म के नीचे फिटिंग होता है। यदि इनकी प्राइस की बात की जाए तो ये 3,000 से 3,500 आता है। डिपेंड करता है कि अपनी डिप्थ के ऊपर कि कितना डिप्थ का अपने को चैनल लेना है। यदि ज़्यादा लंबा डिप्थ का लेना हो तो उसमें प्राइस रेंज में थोड़ा बढ़ जाता है। बिल्ड क्वालिटी में ऐसे देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है, और जो हिटेज का आता है वो थोड़ा राउंड में आता है, ये स्क्वायर में है। जैसा कि ये ऊपर की साइड में लगने वाला टेंडम है, इसकी डिप्थ की बात की जाए तो 16 इंची के अराउंड में है, और आगे वीडियो में अपने इसको फिटिंग करके देखेंगे कि किस तरीके से फिटिंग होता है, इसमें लॉक किस तरीके से आता है, और ये काफ़ी अलग लॉक फिटिंग का अलग दिया हुआ है, इसमें किस तरीके से होता है वो आगे चल के अपने वीडियो में प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि किस तरीके से यूज होता है। जैसा कि ये सामने की साइड में दो रेलिंग है, यदि अपने को ऊंडाई में यदि ड्रॉर को और भी ज़्यादा रखना है तो उसमें रेलिंग डबल और डाल सकते हैं। ये सिंगल रेलिंग का हो गया, फिर डबल का डाल सकते हैं। इसमें क्या रहता है, जो पीछे का जो पार्टियाँ रहता है उसको थोड़ा लंबा रखना पड़ता है। दोस्तों, यदि अभी इस वीडियो में आप नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली वीडियो इंटीरियर से रिलेटेड और फर्नीचर से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द और सबसे पहले मिल सके। तो चलिए अभी वार्डरोब के अंदर लगा के उसको देखते हैं। जैसा कि यहाँ सामने की साइड में ये पूरा फिट कर दिया गया है, तो पहले अपने फ्रंट का जो माप है वो रखेंगे कि कितना इंची रखना है फ्रंट का, और उसका मार्किंग कर देंगे। मार्किंग करके उसका जो मार्किंग हुआ उससे 6 mm ऊपर कीली लगा के उसको रख देंगे, रख के स्क्रू मार देंगे अच्छी तरीके से। फिर टेंडम के अंदर जो गाला बचा उसका माप ले लेंगे, पूरा डिप्थ का ले लेंगे, और ऐसे साइड से ले लेंगे कि कितना इंची है, और फिर जो डिप्थ का जो रहता है उसको अपने 6 mm या 8 mm ज़्यादा रखेंगे सामने की साइड में, क्योंकि उसमें जरी मारना पड़ता है आगे की साइड में, और फिर इस तरीके से पीछे की साइड से स्क्रू मार देंगे उल्टा करके, और जो इसमें क्लैंप रखे देते हैं टी जैसा, उसको अंदर हथौड़ी से मार के दबा लिया रहता है, ताकि वो कभी भी आगे पीछे सरकने का बिल्कुल चांस नहीं रहता है, और इस तरीके से पूरा मार के रेडी कर लेंगे और अंदर ये फिक्स कर देंगे। जैसे फिक्स करने के बाद में ये टेंडम में क्या रहता है, ऊपर से दबाना रहता है, ऊपर की साइड से ऊपर से दबाते ही वो लॉक हो जाता है। ये थोड़ा बहुत तकलीफ वाला काम है, यदि काम करने वाले तो कर सकते हैं, लेकिन क्लाइंट के लिए निकालना बहुत मुश्किल होता है सफाई करने के लिए। अभी सामने का फ्रंट का मुंडिया बैठाना हो तो उसके लिए जो पट्टी से पूरा मार्किंग कर लेंगे, जो प्लाई लगा रहता है 12 mm का ऊपर और नीचे की साइड में, और फिर टेप से मेजरमेंट करके उसमें उतार लेंगे बराबर से, जो अपना मार्किंग किया रहता है कि कितना लेना है उसके हिसाब से, फिर 12 mm बाई 8 mm का उसको अच्छी तरीके से पूरा का पूरा निकाल देंगे। फिर आगे का जो प्रोसेस रहता है वो उसका क्लैंप लगाने का प्रोसेस रहता है वो आगे आपको दिखा देते हैं। ये जरी का अच्छी तरीके से कर लेंगे मार्किंग काटकोने में उतार। जो सामने का मुंडिया का कनेक्टर है उसको जॉइंट करने के लिए साइड से जितना अपने को ग्रू चाहिए उतना पहले से फ्रंट वाले पार्टी को पकड़ लेंगे, और इस तरीके से सामने अंदर पहले से वो लोग फंसा के रखेंगे सामने का, और इस तरीके से मार्किंग कर देंगे उसके लेवल टू लेवल। तो क्या एग्जैक्टली उसके अंदर फंसेगा तो वो अपना गुरु आगे पीछे नहीं सरकेगा, और थोड़ा बहुत आगे पीछे सरकेगा तो भी अपने उसको आराम से एडजस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि 2 से 4 mm के बीच में एडजस्टमेंट रहता है। और अब दोनों साइड का क्लैंप लेफ्ट और राइट का अच्छी तरीके से बिठा देंगे। इटेच के अंदर इससे ज़्यादा अच्छा रहता है जो फिटिंग का सिस्टम रहता है, इटेच के अंदर इससे भी अच्छा सिस्टम रहता है, और इसमें भी अच्छा सिस्टम है, लेकिन थोड़ा सा हल्का सिस्टम दिया हुआ है तो आगे पीछे होने का बहुत चांस ज़्यादा बढ़ जाता है इसमें। और इस तरीके से पूरा फिट कर देंगे लेफ्ट और राइट का, और फिर जो फिट होने के बाद में यहाँ पे प्रॉपर जो स्क्रू रहता है उसको लॉक को खोल देंगे। लॉक को खोलने के बाद में ऐसे
धक्का मार देंगे, धक्का मारने के बाद में वो अपने आप मुंडियों को कैच कर लेगा अंदर, यानी नीचे का, और ये अपने को बरोबर देख लेना है कि अंदर फंस रहा है कि नहीं फंस रहा है जरी के अंदर। यदि जरी थोड़ा बहुत आगे पीछे रहा तो क्या वो टच हो जाता है। अभी जैसे अपना मुंडिया फिट करके तैयार हो गया, यहाँ पे एडजस्टमेंट रहता है कि आगे और पीछे करने का, मुंडियों को नीचे और साइड में करने का एडजस्टमेंट। अभी जो फ्रंट का था वो पार्ट बिल्कुल लगा के रेडी हो चुका है, और जो पीछे का रहता है यहाँ पे क्लैंप फिट कर देंगे लेफ्ट और राइट का, और यहाँ पे जितना अपना मेजरमेंट आता है उतना 12 mm का पाटिया लग जाएगा। तो ये काफ़ी एक सॉफ्ट क्लोज काफ़ी अच्छा काम कर रहा है इसके अंदर। सो थैंक यू गाइस, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।